अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। मेरे पीछे हकूकुन नास वेलफेयर फाउंडेशन का पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यू मुस्लिम प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ ये कि नौ मुस्लिमीन की तालीम व तरबियत के लिए क्लासेस हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत खूबसूरत मस्जिद बनने जा रही है। उनके लिए स्किल्स सेंटर है यहाँ पे, उनकी रिहाइश का इंतज़ाम है यहाँ पे, और इसके अलावा बहुत कुछ है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अपने तमाम उन बहन भाइयों का कि जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। अल्लाह सुब्हाना तआला उन तमाम लोगों को जज़ाए कसीर अता फरमाए। एक वक्त वो था कि जब हुकूकुन नास वेलफेयर फाउंडेशन को इस न्यू मुस्लिम कॉम्प्लेक्स के लिए जगह दरकार थी, लेकिन जगह नहीं थी। अल्लाह ने हमें जगह अता फरमाई, उसमें मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद हमारे पास उसकी तामीरात के लिए पैसे नहीं थे, अल्लाह ने फिर खूब पैसे दिए उसकी तामीरात के लिए। उसका बेसमेंट बना, उसका जो है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें हमारे आर्किटेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह भाई इमरान साहब ने बड़ी खसूसी शफकत वाला मामला फरमाया। इसकी तामीर में इजहार ग्रुप ऑफ कंपनी ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सहूलियात से जो है वो नवाजा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका एक बुनियादी मेन जो एक ग्रे स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है, और अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि जिस तरह अल्लाह सुब्हाना ताला ने पहले हमारी मदद और नुसरत फरमाई, इंशाल्लाह अल्लाह अब भी हमारी मदद नुसरत फरमाएंगे, और इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। आप तमाम लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि आप दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये जो नौ मुस्लिमीन की तालीम और तरबियत और उनके दीगर मामलात के लिए एक उनकी रिहाइश और उनकी तालीम और तरबियत के लिए जो एक बिग प्रोजेक्ट पे हमें काम करने की तौफीक अता फरमाई है, अल्लाह अपने फजल से अपने रहमत से इसे पाए तकमील तक भी पहुँचा दीजिए। तो प्लीज़ हमारे लिए दुआ करते रहिए। बहुत शुक्रिया। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।